सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। विधानसभा का अंतिम सत्र चल रहा है, दो तीन दिन का ये सत्र है, आज दूसरा दिन है, कल अंतिम सत्र होगा और सरकार का भी ये अंतिम ये सत्र होगा। हमारे साथ में विपक्ष के नेता मौजूद हैं, राम गोविंद चौधरी जी, मुझसे बात करेंगे। सर, पूरे 5 साल गुजर गए, कैसा रहा अनुभव आपका? अनुभव तो बड़ा कड़वा रहा, विधानसभा चली ही नहीं, जनता की बात विधानसभा में आई ही नहीं, कभी एक दिन चली, कभी दो दिन चली, कभी तीन दिन चली, इससे अधिक तो कभी चली ही नहीं। ये सरकार जनता के प्रति हाउस जो है जवाबदेह है, सरकार भी जवाबदेह है। पहले कहा जाता था कि लंबा सदन चलेगा तो उसमें जनता की समस्याएं भी आ जाएंगी, 90 दिन का समय है सदन चलने का, आपको लगता है 1 साल में कितना सदन चला? हम जब से विधानसभा में है 77 से है, सबसे कम विधानसभा इसी वक्त चला, इसी सत्र में। मेजोरिटी की सरकार है, 325 विधायक की सरकार की। लेकिन विपक्ष तो कम संख्या में है, लेकिन जनता के सवालों का उत्तर देने में सरकार अक्षम थी। आज जब विधानसभा शुरू हुई तो आप लोग वेल में उतर आए, क्या मांगे थी आपकी? मांगे हमारी दो थी, एक थी कि चंदौली में हमारे कार्यकर्ता पत्रक देने जा रहे थे, खाद बीज, खाद न मिलना, बीज महंगा, बिजली महंगा, जनता की समस्याओं को लेकर के, और बिना किसी अग्रिम सूचना के पुलिस ने घनघोर लाठीचार्ज किया, मारा, घायल हो गए हमारे कार्यकर्ता, विधायक को मारा, प्रभुनाथ यादव को, और उल्टे इन्हीं लोगों का मुकदमा भी लिख दिया और पूरे जिले में कहीं लोगों का मेडिकल नहीं होने दिया, कोई BHU से मेडिकल कराया, कोई बनारस से कराया, कोई गाजीपुर से करा, तो उसमें था कि दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जाए और जो फर्जी मुकदमे हमारी पार्टी के नेताओं का करता उसको वापस लिया जाए। दूसरा था लखीमपुर खीरी पर जो किसानों को कुचल करके मारा गया था, तो जो गृह राज्य मंत्री के बेटे जो जेल में है, जो असली दोषी हैं, तो गृह राज्य मंत्री ने कहा था कि अगर बेटा हमारा दोषी हो जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, SIT ने उसको दोषी मान लिया। लेकिन इसमें तो आप सरकार को वाहवाही देंगे क्योंकि सरकार ने SIT गठित की थी और दोषी माना उनको? नहीं, इस बार हम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को वाहवाही देंगे, सुप्रीम कोर्ट के कारण से ये हुई है। अब आगे आपकी क्या रणनीति, क्या करेंगे? अब रणनीति क्या है, अब 2 दिन का सदन, हम जनता की समस्याओं को रखेंगे। बहुत शुक्रिया हमें उनसे बात करने के लिए। तो ये हैं राम गोविंद चौधरी जी, विपक्ष के नेता, जो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कुछ सदन के अंदर घोषणा की थी कि सदन चलता नहीं है और हम लोग इस सदन को लंबा चलाएंगे, लेकिन वो अपने वादे पर खड़े नहीं उतरे हैं, कभी 2 दिन कभी 3 दिन की सरकार सदन चलाया है, लंबा सदन नहीं चला, जिससे कि लोगों की समस्याएँ यहाँ पर आ सकें। 2 दिन का सत्र है और कह रहे हैं कि हम लोगों की समस्याएँ उठाएंगे, हालांकि 2 मुद्दों पर वो लोग विरोध कर रहे हैं और विधानसभा जब शुरू हुई थी तो बेल में भी आ गए थे, विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि वो सदन चलाने के लिए तैयार हैं सरकार, अगर इसको लंबा चलाना चाहे। कैमरामैन सलीम के साथ प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज़, लखनऊ।